फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष आसनसोल वेस्ट बंगाल से रिदमिक इक्विपमेंट की तरफ से। फ्रेंड, आज का हमारा जो वीडियो है ये स्टूडियो मास्टर वर्सेस 3226 है। बहुत भाई कमेंट कर रहे थे कि स्टूडियो मास्टर वर्सेस 3226 स्पीकर का रिव्यू लेके आइए। रिव्यू लाने का रीजन भी मेरा ये है क्योंकि मैंने इससे पहले अहूजा वर्सेस 3226 किया था जिसमें 3226 विनर था, और एक मैंने वीडियो किया था अहूजा वर्सेस स्टूडियो मास्टर जिसमें से कमेंट के हिसाब से स्टूडियो मास्टर विनर था, और इसमें भी कमेंट के हिसाब से प्योरडियो विनर था। आप ऐसा समझ सकते हैं आज का ये जो है ये फाइनल मैच है, और आज हम लोग देखेंगे इस फाइनल मैच में आप कमेंट करेंगे कि दोनों में से किस स्पीकर की क्वालिटी आपको अच्छी लगी। तो फ्रेंड, वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं अब हम लोग वीडियो में आगे की तरफ। फ्रेंड, बहुत भाई को बस प्राइस से मतलब होता है, तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में पहले प्राइस बता देता हूं, आज भी मैं पहले आपको प्राइस बताता हूं। ये स्टूडियो मास्टर का स्पीकर आपको लगभग 9000 से 10000 के बीच एक पीस पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल जाना चाहिए। और अगर मैं पीओडीओ के प्राइस की बात करूँ तो ये स्पीकर आपको लगभग 12000 से लेकर 13000 के बीच एक पीस पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल जाना चाहिए। फिलहाल हम लोग इस स्पीकर दोनों ही स्पीकर का क्लोज लुक देख लेते हैं। फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं दोनों ही स्पीकर के क्लोज लुक की। तो जैसा कि मैंने पहले ही रिव्यू कर दिया था तो क्लोज लुक मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं वाट की बात करूं तो ये जो अपना पीओडीओ है ये 800 वाट एईएस है, और स्टूडियो मास्टर जो है ये अपना 600 वाट आरएमएस पावर में है। दोनों ही 8 ओम्स का स्पीकर है। फ्रिक्वेंसी रेंज की अगर मैं बात करूँ तो ये 40 हर्ट्ज से लेकर 2 किलो हर्ट्ज है, और ये जो है अपना स्टूडियो मास्टर 40 to 3.5 किलो हर्ट्ज है। सेंसिविटी के हिसाब से 96 डेसिबल इसका पिक पावर है एसपीएल, और ये जो है 97 डेसिबल का है। वॉइस कॉइल साइज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 99.3 mm का साइज है वॉइस कॉइल का, और इसमें 100 mm है। इसमें CCAW कॉइल यूज है, और इसमें कॉपर मटेरियल है कॉइल का, और दोनों ही फेराइट मैग्नेट में है। चेचिस दोनों ही एल्युमिनियम की चेचिस है। वेट की अगर मैं बात करूँ तो 10.4 kg का ये स्पीकर है, और ये स्पीकर थोड़ा सा भारी है 11.3 kg का। प्राइस जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया। अब मैं थोड़ा सा इसके पेपर की फिनिशिंग पे चला जाता हूँ। ये है पीओडीओ वाला स्पीकर, ये आप देख सकते हैं, और ये है हमारा स्टूडियो मास्टर। स्टूडियो मास्टर वाले पेपर को देख के ऐसा लग रहा है मिड ज़्यादा मिलेगा। साउंड टेस्टिंग के दौरान आप बताएंगे कि कौन सा स्पीकर आपको अच्छा लगा। फ्रेंड्स, ये जो हमारा ये केबल है ये स्टूडियो मास्टर से आ रहा है, ये जो केबल है ये हमारे पीओडीओ से आ रहा है, ये हमारे एम्पलीफायर में जा रहा है, और ये जो रेड केबल है ये स्टूडियो मास्टर का है और ये पीओडीओ का है। एम्पलीफायर हमारा उस साइड हमने रख दिया है। 3.0 से हम लोग टेस्ट करेंगे दोनों स्पीकर को, और यहाँ पे हमने स्टूडियो मास्टर का मिक्सर मिनी 6U लगा के रखा है। अभी हम लोग करते हैं थोड़ा सा साउंड की टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए दोनों ही स्पीकर को हम लोग सेम वॉल्यूम पे रखेंगे, और बहुत लोग अभी भी मैं देखता हूँ कि कमेंट करते हैं कि सर आपने HF लगाया था। भाई, मुझे कोई मतलब ही नहीं है HF लगाने का। आप अभी भी देख सकते हैं पूरे कनेक्शन को, एक बार फिर से दिखा दो कनेक्शन, आप अभी फिर भी देख सकते हैं मैंने कहीं पे कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ नहीं किया। देखिए, मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि सर आप स्विच लगा सकते, तो मैं स्विच भी लगा सकता था। उसमें मेरा क्या होता है, ऐसा तार वार खोल के मुझे करना नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉब्लम उसमें क्या है ना, जब मैं स्विच लगाऊंगा फिर लोग कहेंगे फिर आपने और भी कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाया था। देखिए, वर्सेस वीडियो में बहुत रिस्क होता है बनाना, इसलिए हम लोग अपना ओपिनियन नहीं देते हैं। और मेरा बनाने का रीज़न ये है कि सपोज आप एक नया टॉप बनाने जा रहे हैं और आपके माइंड में है कि यार मुझे अहूजा का स्पीकर लगाना है या स्टूडियो मास्टर लगाना है या पीओडीओ लगाना है या ऑडियो टोन लगाना है, तो आप जब यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना तो मेरा ये वीडियो कहीं ना कहीं हो सकता है -1% भी अगर आपके काम आ जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस यही होता है कि आप प्रोडक्ट का जो सिलेक्शन है वो सही ले। इससे ज़्यादा मैं कभी कोई उम्मीद नहीं करता आप लोगों से। मैं बस आपको ये कहता हूँ कि बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे ज़्यादा मैं कभी ये भी नहीं करता कि आप मेरे प्रोडक्ट को परचेस करिए, मुझसे कांटेक्ट करिए। फ्रेंड्स, अभी करते हैं हम लोग इन दोनों ही स्पीकर की टेस्टिंग, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन करिएगा दोनों में से किस स्पीकर की साउंड क्वालिटी आपको अच्छी लगी। उससे पहले आप अपना हेडफोन लगा लीजिए, और ये देखिए मैंने माइक को बाहर कर लिया है ताकि कोई ये ना कहे कि मैंने कुछ माइक इसमें यूज़ किया था साउंड को बूस्ट करने के लिए। मैं माइक यहाँ रख देता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे आप देखिए मिक्सर का जो वॉल्यूम है वो भी बिल्कुल फिक्स है, और मैं बस यहाँ से प्ले पॉज करता हूँ। आप कनेक्शन वापस से देख सकते हैं, कहीं कोई एक्सटर्नल डिवाइस हमने यूज़ नहीं किया है। ये आप देख सकते हैं, ये पीओडीओ वाला केबल है और ये स्टूडियो मास्टर वाला केबल है। ये अभी हम लोग पहले स्टूडियो मास्टर को चेक करेंगे।
मास्टर फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने माइक को कनेक्ट कर लिया है और आप लोगों ने स्पीकर की साउंड टेस्टिंग को सुना। साउंड टेस्टिंग को सुन के आपको समझ आ गया होगा दोनों में से कौन सा स्पीकर आपको अच्छा लगा। देखिए, प्रोडक्ट अच्छा लगना ना लगना अलग बात है, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट हम लोग कब कह सकते हैं कि हम लोग एक तरफ से प्राइस को भी दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं है कि एक स्पीकर हमारा 10,000 का है वो थोड़ा खराब बज रहा, दूसरा स्पीकर हमारा 14,000 का है वो अच्छा बज रहा है, ऐसा नहीं है। आपको प्राइस के हिसाब से वीडियो भी कंपैरिजन होना चाहिए और कमेंट भी कंपैरिजन होना चाहिए। महंगा प्रोडक्ट नो डाउट हमेशा अच्छा बजता है, लेकिन प्राइस के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। तो फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से थोड़ा सा हिम्मत मिलता है ताकि हम लोग कुछ नया कर सकें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।